के ऊपर के मुंह से। तो ये देखिए एकदम पगमग दिख रहे हैं ना बोट के साइड में। तो ये चलो सब ये देखिए पूरी मूवमेंट है। तो यहाँ पे सामने वाटर हॉल है तो जहाँ पे मतलब टाइगर अपनी प्यास बुझाने इसी वाटर हॉल पे आता है। तो जो पगमार्क देखें तो टाइगर यहाँ आके पानी पी के अपनी मूवमेंट उसने कंटिन्यू करी होगी। और यहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ है तो पहले वाला जो व्यू पॉइंट था वाटर हॉल का वो अब बंद हो गया है तो दूसरी जगह से व्यू पॉइंट है और वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे पर्सनली। तो जो ये पूरा एरिया चल रहा है ना वो 4 नंबर टाइग्रेस का एरिया है जिसके साथ अभी उसके कप्स भी हैं। तो वहाँ तो स्पॉटेड डियर है तो मतलब वो अच्छे से घूम रहे हैं तो मतलब टाइगर शायद आसपास नहीं होगा, अलर्ट पे नहीं लग रहे थे। जिम कॉर्बेट में यूँ तो मतलब टाइगर की साइटिंग अपने आप में एक मतलब बहुत चुनौती वाला काम है क्योंकि यहाँ आपको टाइगर सर्च करना पड़ता है कॉलिंग से पगमार्क से। बाकी टाइगर रिजर्व की तरह नहीं है कि वाटर हॉल में आगे टाइगर बैठ गया है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आपको टाइगर दिखता है ना तो यहाँ मतलब यकीन नहीं मानेंगे आप, 100% प्लस दर्जा मैं कहूँगा कि टाइगर साइटिंग का जो एक्सपीरियंस होता है ना बहुत तगड़ा होता है और एक अलग से ऑरा हो जाता है उस एरिया का, जंगल का सब कुछ मतलब अलग ही लेवल का लगता है। तो मतलब ये चीज़ आप पर्सनली फील करेंगे। तो यहाँ पे भी गाड़ी के ऊपर तो ये सुबह की सफारी के बाद गया ना तो उसके सुबह गए तो उसके बाद ये अंदर की तरफ गया है। तो आगे से पार वाला एरिया आ जाता है, हालांकि यहाँ काफ़ी टाइम से हम गए नहीं है क्योंकि वहाँ का रास्ता क्लोज है, अभी बंद है मॉनसून डैम में तो रोड पूरी टूटी हुई है। तो सामने से भी एक गाड़ी आ रही है तो यहाँ पे ये जो आप हाथी देख रहे हैं हाँ टस्कर ने यहाँ में चेज किया था लेकिन अभी जो ये हाथी है ये क्या कहेंगे इन्हें, डोमेस्टिक है।
जो कि मतलब अक्सर मतलब ये रेस्क्यू वगैरह में काम में ले जाते हैं क्यों? जब टाइगर का रेस्क्यू करना होता है या कोई इनके ऑपरेशन होते हैं या पोचर के पीछे पड़ना होता है या जंगल में मतलब जो गश्त लगनी होती है, पेट्रोलिंग होती है, उसमें इन हाथियों का यूज होता है। और अब आगे हमारे बाएं हाथ में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व आ गया, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। लेकिन ये टाइगर रिजर्व को जिम कॉर्बेट का ही बफर जोन का दर्जा मिला है, तो झिड़ना गेट के नाम से है। लेकिन अगर आपको इसकी सफारी करनी है तो वो आपको उत्तर प्रदेश से करनी पड़ेगी, बिजनौर से। तो एक बार और हम हाई बैंक की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा पगमांक मिले थे जाते हुए। तो फिर से हम हाई बैंक के पॉइंट पर आ चुके हैं। अंदर बोल रहा हूँ, अंदर। तो अभी खारा गेट से बाहर निकल रहे हैं। अभी हम ढेला जोन में एंटर कर चुके हैं फिर से। तो इवनिंग का टाइम है और आगे हाथियों की मूवमेंट आगे। भाई रोड क्रॉस करेंगे साबू भाई, चलो थोड़ा आगे। तो ये बच्चों के साथ है और देखिए ये वाला सीन, और ये बच्चों के साथ है। और इस टाइम में ना अगर इनके पास जाओ तो भाई बहुत कदर मचा सकता है। कितने डिसिप्लिन वाले होते हैं, एकदम क्यू बना के एक के पीछे एक चलते हैं। तो यहाँ पे एलिफेंट ग्रास पे देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी ग्रास होती है थोड़े के टाइम बाद कि इसमें पूरा का पूरा हाथी छुप जाता है। तो ढेला में एंट्री करते ही फिर से एक बार मतलब काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है। तो आगे हम जा रहे हैं अब ऑन द रोड, तो जो मेन टाइगर की टेरिटरी है जहां हमें अक्सर टाइगर देखने को मिला है, तो वहां पहुंचते हैं। अभी आगे एक गाड़ी क्रॉस करके खड़ी हुई है, तो देखते हैं क्या उनको देखने को मिला। हो सकता है एलिफेंट हो या हो सकता है टाइगर हो, कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे एक टस्कर है, तो ये सामने टस्कर एलिफेंट है। जय गणपति बप्पा मोरिया। तो यार आज हाथी हाथी दिख रहे हैं। तो जो गर्मी को कम करने के लिए इनके कान हर टाइम चलते रहते हैं। ये देखो जैसे एक फैन होता है ना जो इंजन के पीछे लगा रहता है,
वैसे इसके कान होते हैं जो इसकी बॉडी को कूल डाउन करते हैं। तो इसके हमें काफ़ी अच्छे पिक्चर्स देखने को मिली। तो यार अभी टेस्ट कर दिखा था और उसके बाद स्पॉटेड डियर की यहाँ पे कॉल आई है। पूरा फैमिली है उधर वेट कर रहा ना। तो यहाँ पे पूरी फैमिली है उसकी एलिफेंट की। ये आवाज इनकी तो ये पूरी फैमिली है सब भाई। हाथी के अलग अलग साउंड सुनने को मिल रही है। ये भी हाथी की आवाज है। तो अभी लास्ट हमारे 8-10 मिनट रह चुके हैं और देखिए मतलब काफ़ी ज़्यादा डार्क होने लग गया, अंधेरा होने लग गया है। तो हमारे कैमरे भी हमें थोड़े टाइम तक ही लाइट दे पाएंगे और कोशिश करते हैं तब तक हमारे मतलब 5-10 मिनट जो है ना मतलब और ज़बरदस्त बनाए, क्योंकि अभी हाथी मिलने के बाद यार जो मतलब माहौल तो एक बहुत बढ़िया बन गया था। और क्योंकि पूरी फैमिली थी वो हमने रिकॉर्ड भी करी, जो उसकी अलग अलग साउंड थी चिंगाड़ने की चार्ज करने की मतलब वो सुनाई। उसका एक अल्टीमेटम था कि आप लोग हमसे दूर हो जाओ, तो हमने अपनी डिस्टेंस भी अच्छी खासी मेंटेन कर ली थी, क्योंकि आपको भी पता ही है कि अगर पास हो तो भाई हाथी भड़ता बना देता है। जंगल सफारी में डर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का होता है, वो है एलिफेंट। एलिफेंट से दूरी बनाए रखें।
तो बाकी गेट पहुंचने में अभी थोड़ा सा टाइम है, और मतलब अक्सर यही टाइम होती है टाइगर के मूवमेंट की और बाकी एनिमल के जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादातर इसी टाइम में मिलती है, क्योंकि दिन दोपहर में ज़्यादातर एनिमल रेस्ट करता है। तो सफारी का आखिरी लम्हा भी ख़त्म होते हुए और अब हम जा रहे हैं गेट की तरफ सीधे। भाई आगे गाड़ियाँ रुकी है, मतलब कुछ कॉल्स है या कुछ है? तो यहाँ पे शायद कॉल हुई है और आगे दो गाड़ियाँ रुकी है। यहाँ तो वैसे आवाज नहीं आई। एकदम डार्क हो गया, लेकिन जो भी गाड़ी थी उन्होंने टाइगर की आवाज सुनी अंदर जंगल के अंदर। तो हम भी थोड़ी देर वेट करें, लेकिन अब टाइम हो गया है हमारी सफारी क्लोज का, तो हमें गेट में पहुंचना ही पड़ेगा। तो अब हम गेट में तो पहुंच गए हैं, लेकिन काफी ज्यादा देख रहे हैं कि अंधेरा होने लग गया है। तो भाई फाइनली आज की सफारी हमारी कंप्लीट हो गई है। हालांकि अब उजाला नहीं है तो हम दिख भी नहीं रहे होंगे, एकदम अंधेरा हो रहा है। और ये सारे अपने साथ के फोटोग्राफर मून की फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो आज फुल मून है। और बाकी अच्छी रही सफारी, तो बलविंदर भाई को भी विदाई करते हैं। चलो धन्यवाद बलविंदर भाई। ठीक है जी, बढ़िया रहा आपके साथ। थैंक्स। तो साबू भाई अपने साथ भाई, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा, आज हाथी डे था, आज आज फुल एलिफेंट डे था। और बाकी अभी मून डे बन रहा है खतरे जी, बहुत बढ़िया रहा। तो चलो आज की सफारी को हम करते हैं क्लोज और मिलते हैं दोबारा किसी और नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल। बाय।